हेलो दोस्तों, सारा फैशन बुटीक में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में एक हम बहुत प्यारा सा कुर्ती करने बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज का जो डिज़ाइन है दोस्तों, जितना ही बनाने में आसान है उतना ही पहनने में ये बहुत ही आकर्षक लगने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने अपनी कुर्ती कट करके रखी हुई है। आपको भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती कट कर लेनी है। कुर्ती कटिंग का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। आप देखिए, यहाँ पर जितनी चौड़ाई आप गले की रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं। मैंने जो इसका शोल्डर लिया है वो 6.5 इंच लिया हुआ है। अब देखिए, हम यहाँ बुकरम पर अपनी मार्किंग कर लेते हैं गले की। ये देखिए, इस तरीके से जो मैंने चौड़ाई ली हुई है यहाँ पर 4 इंच ली हुई है, और लंबाई मैंने यहाँ पर 10 इंच के आसपास ली हुई है। आप अपनी जो भी लेंथ रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच प्लस कर लें, और इस तरीके से आपने अपना कैनवास डिसाइड करना है, कट कर लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 3 इंच रख रहे हैं, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे अपनी जो है जितनी चौड़ाई आप गले की रखना चाहते हैं उस तरीके से। और यहाँ पर मैं वी नेक बनाने वाली हूँ गले का। ये देखिए, दोनों को आपने इस तरीके से सीधा मिला लेना है। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से देखिए बनाएंगे तो एकदम सीधा वी बनेगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको गोल शेप देने वाले हैं, राउंडिश वी बनाने वाले हैं। तो यहाँ सेंटर से हमने 1 इंच पे मार्क किया है, और किनारे की तरफ से हम यहाँ पर आधे इंच का मार्क कर रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो अब ये जो निशान है हमारे, इनको आप मिला देंगे तो हमारा जो है गोल शेप आ जाएगी गले में। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये आ गया आपका। इस तरीके से आपने 1-1 इंच पे मार्किंग कर लेनी है, जितना ही चौड़ा आपने गला बनाना है। ये देखिए, अब इसको आपने डार्क कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। तो आउटर लेयर के बाद अब इनर वाली लेयर जो है वो भी हम कट कर लेते हैं मार्किंग। तो अब इस गले को हमने, ये देखिए, फैब्रिक पे इस तरीके से सेट कर लेना है, और इसको किनारे किनारे मोड़ लेना है इस तरीके से, ठीक है। मोड़ने के बाद आपने जो इसको सेंटर से सेट जो कट लगाते हैं सेंटर वाला, वो आपने लगा देना है यहाँ पर। और नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, इन दोनों कट्स को मिलाते हुए आपने कुर्ती पर सेट करना है इसको। ये देखिए इस तरीके से सेट कर लेना है, और पिन की हेल्प से आपने गले को कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है इस तरीके से, जिससे कि सिलाई करते टाइम पे आसानी हो जाएगी। ये देखिए, अब हम कैनवास के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई करेंगे इस तरीके से यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। पूरी स्टिचिंग आपने इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। अब आप इसकी कटिंग कर लें। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए आपने कटिंग करनी है, और वी का जो ये निशान है यहाँ पर अच्छे से कट कर लें, धागा ना कटे। और गोलाई पर सारे में छोटे छोटे नॉचेस लगा लेने हैं आपने। अब हम इसको पलट देंगे। कुर्ती के हमने उल्टी साइड पे इसको अटैच किया था दोस्तों गले को, तो अब हमने पलटकर इसको सीधी साइड पे कर लिया है। अब एक टॉप स्टिच देंगे, जिससे हमारा जो गला है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। ओके, ये देखिए ऐसे, इस तरीके से। बिल्कुल किनारे किनारे आपने टॉप स्टिच देना है। ये देखिए, अब जो दूसरी साइड है इसकी गले की, वो वाली भी आपने अच्छे से स्टिच कर लेनी है यहाँ पर, जिससे कि हमें दोनों साइड पे जो है अटैच हो जाने के बाद जो गला है वो बहुत ही प्यारा लगने वाला है। और आप देख सकते हैं एकदम सफाई के साथ हमारा गला बन चुका है इस तरीके से, ठीक है।
और आप चाहें अपनी मनचाही शेप दे सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आज का ये गला अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब देखिए दोस्तों गला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें एक फ्लावर ऐड करने वाली हूँ, तो इस फ्लावर की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब एक टच और हम इसमें देने वाले हैं, ठीक है, फूल के बाद। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं, और इसको डेकोरेटिव बनाना चाहते हैं पार्टी वियर तो आप यहाँ पर लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक साइड में इस तरीके से बटन लगाने वाली हूँ, आप अपने मन चाहे लगा सकते हैं बटन्स, आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमारा जो गला है बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.